हेलो गाइज, इलेक्ट्रिकल एम एस डी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं प्रत्यय। इससे पहले हम उपसर्ग उपसर्ग विशेषण और भी मतलब वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप हमारे चैनल पर देखें। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रत्यय प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय प्रत्यय मतलब प्रति प्लस अय। ठीक है, तो देखते हैं। बेशब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को प्रमाणित करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रत्यय कहला शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी शब्द है उसके ये पीछे लगकर जो है उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, आगे प्रत्यय की विशेषताएं। प्रत्यय शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगे होते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग जो है शब्द के पहले जोड़े जाते थे और ठीक है, और प्रत्यय बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय के अब प्रकार देखते हैं। ठीक है, प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय मुख्यतः हिंदी में रचना की दृष्टि में दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, जबकि प्रयोग दृष्टि से चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार देखते हैं। ठीक है, ये विभक्ति प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ठीक है, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, पहला विभक्ति प्रत्यय। ठीक है, विभक्ति प्रत्यय। ठीक है, विभक्ति प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम के पदों के साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर एक नया अर्थ देते हैं, जिन्हें विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं। जैसे ठीक है, जी है मैं प्लस ने, ठीक है, तो मैंने मुझ प्लस को, तो लास्ट में जोड़ दिया मुझको हो गया। ठीक है, मुझ प्लस से, ठीक है, तो मुझसे हो गया, मतलब कि जो मुझ में पीछे से जोड़ दिया तो मुझसे हो गया। ठीक है, क्योंकि जो 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 प्रत्यय प्रत्यय होते हैं वो लास्ट में जोड़ जाते हैं शब्दों के। ठीक है, तो अगला देखते हैं स्त्री। ठीक है, प्रत्यय स्त्री प्रत्यय देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, राम से जैसे राम में अगर पीछे आ जोड़ दिए तो रामा हो जाता है। जैसे अनुज में प्लस ठीक है, पीछे अगर आप बड़ा आ जोड़ देते हैं तो अनुजा, ठीक है, बड़ी आगे मात्रा जोड़ देते हैं अनुजा हो जाता है। वैसे ही ठीक है, स्त्री प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे जैसे ये है, और भी एग्जांपल है। ठीक है, जैसे छात्र है तो उसका हो जाता है छात्रा। ठीक है, प्रिय है तो उसका होता है प्रिया। बाल से हो जाता है बाला। देव देव से हो जाता है देवी, मतलब स्त्री में जो है स्त्रीलिंग में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं कृत्य। ठीक है, प्रत्यय या इसे कृदंती भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया या नाम, ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश जो संज्ञा या विशेषण के अर्थ देते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये खा प्लस ना है, जो खा है वो एक धातु है। ठीक है, उसमें अगर ना जोड़ते हैं जो कि प्रत्यय प्रत्यय है उससे तो खाना बन जाता है। ठीक है, जैसे पाल प्लस अक, ठीक है, तो ये होता है पालक हो जाता है। ठीक है, ये जैसे लेखक में है, ठीक है, लेख प्लस अक, ठीक है, जो अक जो है प्रत्यय है। ठीक है, तो ये जो है लेख प्लस धातु है तो लेखक हो जाता है। ठीक है, जैसे पाठक, ठीक है, ठीक है, वैसे ये नाटक में अक जोड़ दिया, दीपक में अक जोड़ दिया, ठीक है, पावक में अक जोड़ दिया और धावक में जो है अक जोड़ दिया। ऐसी ये भी हैं, ये ठीक है, ये घुमक्कड़ इसमें अक्कड़ है, जो अक्कड़ शब्द है वो प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय को जो बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ये खाऊ है, ठीक है, ये पिबाऊ है, टिकाऊ है, बेकाऊ है, उपजाऊ है, ठीक है, उपजाऊ है। ठीक है, ऐसे ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ठीक है, आगे भी देखते हैं। अब अगला देखते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आगे देखते हैं। जो प्रत्यय शब्द और
क्रियाओं को छोड़कर बनाई जाती हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर यौगिक शब्द निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, चचेरा, ठीक है, तो चाचा प्लस एरा, तो ये जो एरा शब्द है वो है एक प्रत्यय है। ठीक है, जैसे ममेरा, तो मामा में एरा जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये ममेरा हो जाता है। ठीक है, जैसे फूफा में जो है एरा जोड़ दिया जाए तो फुफेरा हो जाता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं, आगे जोड़ते हैं ये आर प्रत्यय, ठीक है, तो जैसे ये है गांव प्लस आर, तो ये गवार हो जाता है। ठीक है, ये लोहार है, तो ये लोहा, लोहा में आर जोड़ दिया जाए, ठीक है, जो कि प्रत्यय है। ठीक है, तो वो ये लोहार हो जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं जी, आरा अगला देखते हैं, अगला देखते हैं आरा प्रत्यय। ठीक है, जैसे ये हो जाता है हत्यारा, आवारा, जो ठीक है, जैसे ये घसियारा, ठीक है, एत एत में हो जाता है, ये डकेट मतलब, ठीक है, तो मतलब एत जुड़ा है लास्ट में। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हो जाता है नकलची है। ठीक है, जैसे ये नकलची है। ठीक है, ये आई प्रत्यय, ठीक है, लिखाई पढ़ाई, ठीक है, लिखाई पढ़ाई, लड़ाई तिखाई, बवाई मिठाई, ठीक है, ठीक है, पर आयत प्रत्यय है। ठीक है, उसमें पंचायत, बहुतायत, ठीक है, बहुत आयत है, ये शब्द हैं। फिर अंतर प्रत्यय, रूपांतर, समांतर, निरंतर, ठीक है, जो ई प्रत्यय है मैं, ठीक है, देखते हैं चोरी, ठीक है, चोरी में देखते हैं चोर प्लस ई, चोरी हुए, नमी, नमी में नमी को देखते हैं तो नम प्लस ई, नमी वैसी सफेदी। ठीक है, ओली प्रत्यय में देखते हैं तो, ठीक है जी, ये है बपौती, ठीक है, ये कड़ौती, ठीक, जैसे आलू, आलू प्रत्यय में देखते हैं, ठीक है, झगड़ा आलू, ईर्ष्या आलू, ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो आगे देखते हैं टॉपिक।